आपने सफलता की कहानी तो बहुत सुनी होगी और देखी भी होगी, जिसमें कोई गरीब का बच्चा विषम परिस्थिति, बिना माता पिता या खुद मजदूरी करते हुए अपने सपने को साकार करता है। लेकिन आज हम एक ऐसी सफलता की कहानी बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक ऐसा शख्स जो दोनों पैरों से दिव्यांग है, लेकिन हौसले कितने बुलंद है ये देखकर आसपास के युवाओं में जोश, उत्साह और उमंग भर गया है। भारत गांवों का देश कहा जाता है, जहां एक से एक प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। बलिया के बांसजी तहसील अंतर्गत हालपुर गांव का एक ऐसा दिव्यांग जिसका तैराकी में जवाब नहीं, देश का नाम रोशन करना चाहता है, लेकिन उस तरह की व्यवस्था न मिलने से तरस रहा है कि एक बार सरकार की तरफ से मौका मिल जाए। खास बातचीत में दिव्यांग ने अपनी बात भारत एक्सप्रेस से रखी, आइए सुनते हैं। बात करें बलिया के लक्ष्मी साहनी की, तो एक ऐसे प्रतिभा छुपी हुई है बलिया के बांसडी तहसील अंतर्गत हालपुर गांव में मैं मौजूद हूँ और मैं लक्ष्मी साहनी से बात करना चाहूंगा। जी, आपकी तरफ से क्या क्या प्रतिभाएं हैं और कहाँ कहाँ आपने अभी अपने कोशिश की है? जी, देखिए मेरे पास बहुत ही इस देश का बहुत बड़ा प्रतिभा है, जो कि मैं एडवेंचर स्विमिंग के लिए बहुत ही महारत मतलब हासिल है मेरे को स्विमिंग में, जो कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, बहुत सारे उपलब्धियां, राष्ट्रीय पुरस्कार इसके एवज में हमको प्राप्त हो चुका है, जो कि मैं कितनी भी बड़ी नदी पार करने की क्षमता हम रखते हैं। इस संबंध में मैंने 80 घाट से बनारस से बलिया तैर कर 17 घंटे 34 मिनट में 78 किलोमीटर गंगा जी को मैंने पार करके ये रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले मैं बहुत सारे नेशनल्स गेम्स खेल चुके हैं, जो कि उसमें 5 गोल्ड 1 रजत पदक जीत चुके हैं। मैं इस अपनी प्रतिभा से मैं चाह रहा हूँ कि अपने जो मेरा एक लक्ष्य है, काफ़ी सालों से मैं इसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ, जो इंग्लिश चैनल नदी है इंग्लैंड में 42 किलोमीटर की और आयरलैंड में नॉर्थ चैनल है 36 किलोमीटर की, इसको मैं पार करके अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। ये थे लक्ष्मी साहनी। देश में प्रतिभाएं एक से एक छुपी है, भारत गाँव का देश कहा जाता है और ऐसे गाँव में एक से एक प्रतिभाएं छुपी हुई है। दोनों पैर से विकलांग लक्ष्मी साहनी और अपने अंदर प्रतिभा की जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बलिया ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की बात कहीं ना कहीं अगर आगे जब बढ़ेगा तो देश का नाम रोशन करेगा। और ऐसे में कहां तक सरकार द्वारा आगे इनको मदद मिलेगी ये समय ही बताएगा। नरेंद्र मिश्र, भारत एक्सप्रेस, बलिया। पानी में तैरते हुए, रोटी भुजिया खाते हुए, अखबार पढ़ते हुए इस वीडियो में युवक को जरा गौर से देखिए। दोनों पैरों से 75% दिव्यांग है और यह किसी तालाब में नहीं बल्कि वाराणसी 80 घाट से तैरते हुए बलिया जाने के लिए गंगा नदी में है। बलिया के दिव्यांग तैराक लक्ष्मी साहनी का कहना है कि वाराणसी से 78 किलोमीटर बलिया तक तैर कर 17 घंटा 24 मिनट में आया था। इसके लिए मैंने कई पुरस्कार जीते हैं। मैं अपनी प्रतिभा से चाह रहा हूं कि मेरा लक्ष्य है, काफी संघर्ष कर रहा हूं। एक इंग्लिश चैनल नदी इंग्लैंड में है जो 42 किलोमीटर की और आयरलैंड में 36 किलोमीटर की नॉर्थ चैनल नदी है, इसको पार करके देश का नाम रोशन करना चाहता हूं।